नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। आज बात होगी नीट परीक्षा पर। नीट परीक्षा पर, तमाम परीक्षाओं पर जिनमें यूं तो सरकार इंटरनेट बंद का ऐलान करती है, लेकिन उस बंद से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो है आम आदमी। वैसे तो इंटरनेट बंद का मकसद होता है कि नकल गिरोह पर किसी भी तरीके से रोक लग जाए, पेपर आउट पर रोक लग जाए, लेकिन क्या वाकई में इंटरनेट बंद से इन सभी चीजों पर रोक लगती है? खैर, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा वाक्य बताते हैं जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो देखिए, हाल ही में केरल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें नीट परीक्षा के दौरान अंडर गारमेंट्स तक उतरवा लिए गए। लेकिन क्यों, क्या वजह रही होगी? क्या परीक्षा के दौरान महिलाओं के अंडर गारमेंट्स उतरवाने की अनुमति है? इसी के साथ परीक्षा प्रोटोकॉल्स की बात करें तो परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्र व छात्रा को धातु की वस्तु या सामान पहनने की अनुमति नहीं होती, लेकिन एडवाइजरी में कहीं भी अंडर गारमेंट्स का जिक्र नहीं है। तो फिर इस तरह से महिलाओं के अंडर गारमेंट्स क्यों उतरवाए गए? वाकई बेहद बड़ा मामला है, हम इस पर भी पूरे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, लेकिन परीक्षा के दौरान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, परीक्षा के दौरान नकल पर रोक लगाना, पेपर आउट गैंग का पर्दाफाश करना, और सरकार इसके लिए सहारा लेती है इंटरनेट बंद का। लेकिन फिर भी ये गिरोह सक्रिय होते हैं और कई बार तो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ कुछ ही समय पहले रेड पेपर लीक मामला सामने आया था, और अब केरल के कोल्लम एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एक परीक्षा के दौरान केरल में क्या हुई कहानी, जो अब हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। दरअसल दो दिन पहले यानी रविवार को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान केरल के कोल्लम जिले के मार्थोमा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेडिकल परीक्षा नीट परीक्षा के लिए काफी संख्या में छात्राएं पहुंचती हैं, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान जब लड़कियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ होती है बीप की। जाहिर है वहाँ मौजूद स्टाफ के भी कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन असल में मामला कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इस बीप की आवाज़ ने यहाँ पर एक बड़ा खेल कर दिया। यहाँ लड़कियों के अंडर गारमेंट्स उतरवा लिए जाते हैं। चौंकी नहीं, ये मामला महज परीक्षा देने गई लड़कियों का है, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो एक बड़ी कहानी का रूप ले लेता है। अब पहले जानिए कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। दरअसल हुक की वजह से मेटल डिटेक्टर की बीप बजती है, जिसके बाद छात्राओं से अंडर गारमेंट्स उतरवा लिए जाते हैं, और जब छात्राएं इसका विरोध करती हैं तो उन्हें ये कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है कि तुम्हें तुम्हारा भविष्य जरूरी है या फिर इनर वियर, बस इसे हटा दो और हमारा समय बर्बाद ना करो। ऐसा मामला बहुत सारी छात्राओं के साथ हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य लड़की को अपनी जीन्स उतरवाने के लिए कहा गया, क्योंकि उसमें मेटल के बटन और जेब थी। छात्राओं के अनुसार जब वे परीक्षा देकर बाहर निकली तो उन्हें बहुत सारे अंडरगारमेंट्स एक ही डिब्बे में देखने को मिले। शिकायत में बताया गया कि एग्जाम सेंटर पर करीब 90% छात्राओं को अपने इनर वियर निकालने पड़े। हालांकि इंस्टीट्यूशन ने ऐसी घटना से इनकार किया है। वहीं कोल्लम पुलिस चीफ KB रवि ने केस दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। पुलिस को लिखे शिकायती लेटर में पिता ने कहा कि उनकी बेटी से इनर वियर से भरा एक कमरा देखा गया। एग्जाम सेंटर पर कई लड़कियां रो रही थी और मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो वह इस मामले को लेकर केरल के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं कराई, जो हुआ वह गंभीर चूक का संकेत है, ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम एग्जाम सेंटर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से शिकायत करेंगे। खैर, ये तो एक एग्जाम सेंटर की कहानी है जो हम सभी के सामने आई, लेकिन इस तरह की घटना सामने आने के बाद सवाल उठता है, न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम सेंटर हमारे देश में है जहां एडवाइजरी के नाम पर महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत की जाती है। हालांकि पहले तो ये देखा गया था कि महिला कैंडिडेट से उनके मंगलसूत्र, चेन और दूसरी धातु वाली वस्तुओं को परीक्षा केंद्र से बाहर रखवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो महज जब ब्रा की हुक से मेटल डिटेक्टर की बीप बज जाती है तो उनके अंडर गारमेंट्स तक उतरवा लिए जाते हैं। वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।